मंदार की धरती के नाम से चर्चित बांका विधानसभा क्षेत्र शुरू से ही वीआईपी के लिए चर्चित रहा है। इस सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व चंद्रशेखर सिंह विधायक रह चुके हैं। बांका विधानसभा सीट राज्य की अहम विधानसभा सीटों में से एक है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और राम नारायण मंडल विधायक हैं। बांका विधानसभा 1951 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में कांग्रेस के राघवेंद्र सिंह को जीत मिली थी। अगले चुनाव में भी कांग्रेस ने ही यहां से चुनाव जीता। हालांकि इसके बाद के चुनाव में कांग्रेस को यहां से शिकस्त मिलती रही है, लेकिन 1963 के उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर वापसी की। साल 1967 के चुनाव में उसे एक बार फिर बांका की जनता नकार दिया। फिर कांग्रेस को 1969 और 1972 के चुनाव में फिर जीत मिली। यहां पर शुरुआती दौर में कांग्रेस को जीत मिलती रही है, लेकिन 1986 के बाद से कांग्रेस इस सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। इस सीट के चुनावी समीकरण की बात करें तो बांका सीट पर मुस्लिम यादव निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, वहीं राजपूत कोइरी रविदास की तादाद भी अच्छी खासी है। इस सीट पर पुरुष वोटर 1,31,000 हैं, वहीं महिला वोटर 1,16,000 हैं और ट्रांसजेंडर वोटर 1 है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के राम नारायण मंडल ने आरजेडी के जफरूल को 3,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। राम नारायण को 52,379 और जफरूल को 48,649 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर बसपा के अजीत कुमार रहे थे। आपको बता दें कि इस साल का बीजेपी की तरफ से राम नारायण मंडल, आरजेडी की तरफ से डॉक्टर जावेद इकबाल और रालोसपा की तरफ से कौशल सिंह दावेदारों के बीच टक्कर होगी। न्यूज डेस्क।